मॉर्निंग बेटा। बेटा फर्स्ट टर्म थोड़ी कंप्लीट हो गई। फर्स्ट टर्म सारी ऑब्जेक्टिव सी, सेकंड टर्म जेडी हुन थोड़ी होएगी सारी सब्जेक्टिव है। ठीक है, सारे जेडे क्वेश्चन है तुहानू जेडे की लेंथी आने हैं, एसे आने हैं, लेटर्स आनी है। ठीक है, सारा पेपर ना सब्जेक्टिव होएगा। पहला पेपर असि अज करांगे बेटा, पेपर डिस्कस करांगे। काफी बच्चों ने बेटा इंटरनल असेसमेंट एक्टिविटी नहीं सेंड की, नोटबुक उन्होंने मार्क्स जीरो लगे हुए हैं। ठीक है, हूँ बेटा तुम नाल ही अपनी नोटबुक बनानी है, स्टार्ट कर दो, नहीं तो जीरो मार्क्स लगते हैं। फर्स्ट आप पहला सेट ए करांगे। फर्स्ट पैरा सी, वाल्ट विटमैन कहता है कविता इन्ना हुनर नहीं है वाला पैरा। फर्स्ट क्वेश्चन सी बेटा दा, सेट ए करवा रही है बेटा। वाल्ट विटमैन कौन सन? फर्स्ट आंसर कवि, पहले दा ईडी ऑप्शन। सेकंड है, बारी सुंदरता किस विच है? सस्सा अंदरले दिमाग दे विच। थर्ड, कोई भी कवि महान किवें बन सकता है? अपने जीवन नू कविता विच ढाल के। पूरा ऑप्शन। फोर्थ, केहो जे लोग उसकी कविता वर्गी मूरत देखन आउंदे हन? ईडी उसदे चाहवार, ईडी ऑप्शन उसदे चाहवार। नेक्स्ट है, वाल्ट विटमैन किथे रहंदा सी? ससा कुटिया, कुटिया दे विच। सिक्स है, अंडिठा पैरा, अज दा मनुख किस पिछे दौड़ रहा है? पैसे पिछे, ईडी। सेवन, कवनु केड़े संबंध पिछे रह गए हन मानवी ते परिवारक? एरा ऑप्शन। एट, मनुख किस दा भेदभाव भुल गया है? ईडी अपने ते पराए दा। नाइन, पैसे दा लालच मनुख कोलो की करवांदा है? ससा किनोने अपराध। टेंथ है, पैसे दी होड़, होड़ दा मीनिंग है दौड़, पैसे दी होड़ कारण मनुख दी मानसिकता केहो जी हो गई है? रोगी, ईडी ऑप्शन। नेक्स्ट इलेवन क्वेश्चन, अनडिटी कार टुकड़ी। काफी बच्चों के अनडिटी कार टुकड़ी के क्वेश्चन गलत है। कवि अनुसार बंदे कितने बिरख हो गए हैं? ग्यारहवें दा ईडी अदालत विच। ट्वेल्व, लोकां नू उजड़े करी जान ली क्यों किया गया है? सस्सा हक विच फैसला ना होना, सस्सा है हक विच फैसला ना होना। नेक्स्ट है, कवि अनुसार बंदे क्यों बिरख हो गए हैं? क्यों बिरख हो गया है? फर्स्ट, नया दी उड़ीक दे विच। 14, इना 17 विचली भावना कहो जी है? पूरा तरस जो। 15, बिरख शब्द का भाव अर्थ पूछा सी, अर्थ नहीं पूछा सी, भाव अर्थ। पावत है ससा दुखी, काफी बच्चों ने ना रुख लिखा है। ठीक है, मीनिंग नहीं पूछा, भाव तो मैं करवाया वैसे ना, पावत का मीनिंग कौन है? भाव का मीनिंग कौन है? फीलिंग। अर्थ का मीनिंग कौन है? पावत मतलब दुखी वाली भावना है, क्योंकि उन्होंने नया नहीं मिल रहा, ये दुखिया वाली भावना ही होगी ना। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, ये काफी बच्चों का गलत ही क्वेश्चन। सही विरोधी शब्द चुनो, कूड़ा भरिया ते सुक्का। 17, एका शब्द का विरोधी ससा फुट। 18, निम्रता नाल गल करो आकड़ नाल नहीं ससा आकड़। नेक्स्ट है, सही विरोधी जोड़ा, इन्हें दोनों ठीक सी, ईडी भी ठीक सी, ससा जिन्हें ईडी लिखा होता भी ठीक है, जिन्हें ससा लिखा होता भी ठीक है। ठीक है, ईडी राजा या रंक, सुगड़ना या फैलना। नेक्स्ट है, जेड़े शब्द मादा शब्द
ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਸਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 21 ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਦੇਵੀ, ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। 13 23 ਸਹੀ ਪੁਲਿੰਗ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਚੁਣੋ। ਪੁਲਿੰਗ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰ, ਕੂੜਾ। 23 ਭੂਆ ਤੇ ਡੈਸ਼ ਆਏ ਹਨ, ਫੁੱਫੜ ਐੜਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 24 ਮਧਾਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮਧਾਣੀ, ਈੜੀ ਵਾਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਸੀ। ਗਾਗਰ ਐੜਾ, ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਗੱਗਾ ਰਾੜਾ, ਦੋਨੇ ਗੱਗੇ ਆਣੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੜਨਾ, ਈੜੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਪੈਰੀ ਹਾਹੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨੰਨੇ ਵਾਲਾ, ਈੜੀ। ਸਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੱਸੇ ਵਾਲਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਾਰਟ, ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਾਗਰਿਕ ਸਭਾ, ਈੜੀ। 29 ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਤੀ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇਗਾ? ਜੋਤ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੋਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 26 ਐੜਾ। ਬਸ 31 ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਭੜਕਣ ਲੱਗਾ? ਊੜਾ, ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਹਿਮੀ ਤਾਇਆ ਕਿਸਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸੁਭਾ ਸਿੰਘ, ਊੜਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਲਰਾਜ ਸਾਨੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਐੜਾ, ਮੁਸਤਮੀਨ, ਸ਼ਾਕੀ, ਸਿਕੰਦਰ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਸੀ? ਭੇਰੇ ਦਾ, ਐਣਾ। ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ? ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਊੜਾ। ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ? ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਐੜਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ? ਮੇਰੇ ਸਾਈਓ ਜੀਓ। ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਕੌਣ ਕਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ? ਊੜਾ, ਸਮਾਂ। ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਕਣਕਾਂ ਡੈਸ਼ ਰਸ਼ੀਆ, ਲੁਗਾਟ, ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ। 39 ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਚਿੰਝ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਗੱਜ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਹਿਲਵਾਨ, ਐੜਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੱਸਿਆ ਹੈ? ਗੁਲਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? 40 ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਭ ਨੂੰ? 40 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸੈੱਟ ਏ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈੱਟ ਬੀ। ਸੈੱਟ ਬੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੱਲੜ ਹੈ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਰਾ, ਹੁੱਲੜ। ਸੈਕਿੰਡ, ਸਮਾਂ ਵੇਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸੱਸਾ, ਸਿਆਣੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਖਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ, ਤਿੰਨ ਆਣੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਕਥਨ ਦਾ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮੌਨ ਵਰਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਾਂ ਕਾਰਨ। ਫਿਫਥ ਹੈ ਕਿੰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਸੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ,
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਐੜਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੌਰੀ ਈੜੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਨ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਮਜਬੂਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਨ ਵਰਡ ਹੈ ਮਜਬੂਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਈੜੀ ਹੈ ਈੜੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन पथ प्रश्न का की अर्थ है रस्ते तो भटकना ऐड़ा पथ प्रश्न का मीनिंग है रस्ते तो भटकना पथ मतलब रस्ता प्रश्न मतलब भटकना नेक्स्ट है युग निर्माता कौन हैं अध्यापक एट वर्तमान समय विच अध्यापक उत्ते किस चीज का ज्यादा भार है जीवन मुल्ला दा ऐड़ा नाइन अज दा परिवार केहो जई संस्था नहीं रहा सदगुणा दी पाठशाला ऐड़ा है सदगुणा दी पाठशाला ठीक है नेक्स्ट है नहीं पूछा बेटा उन्होंने अध्यापक अपने विद्यार्थियों विच जीवन मूल्यों का बीज रोपण किवें कर सकता है सिखियादायक कहानियां सुना के इडी ऑप्शन ए पहले क्वेश्चन भी काफी गलत सी अनडिठा काव टुकड़ी दे नेक्स्ट है सीने की जिन्होंने खादी वाला पहला कौन आराम ना नहीं बैंदे ईड़ी ईड़ी अपने प्रीतम प्यारे दे मिलाप दी तांग होवे नेक्स्ट है बैठ जाओ वसलो उरे लास्ट वसलो उरे मुकाम ना कोई तुक दा की अर्थ है मंजिल प्राप्ति करन तो पहला किते भी ना रुकना मंजिल प्राप्ति करन तो पहला किते भी ना रुकना नेक्स्ट है सीने शब्द अर्थ है दिल काफी बच्चे का पहला गलत है नेक्स्ट है इस काव टुकड़ी विच की प्रेरणा दी गई है निरंतर गतिशील रहने की केड़े नैना भी नींदर नहीं आती यत्नशील ते मेहनती नेक्स्ट है सही विरोधी जोड़ा चुनो सकना हाँ सकना गाढ़ा सान जाता सकना खाली पड़ी सस्ता सी ब्रोकर कोई नहीं तो अड्डा दा साड़ा कपड़ा मैला नहीं है डैश है उज्जल एड़ा नो बेटा सही विरोधी जोड़ा तजर्बे कोसा गरम सी ठंडा खूना लेना तजर्बे का दा अलन एड़ा नेक्स्ट है जेड़े शब्द नर भेन नु पलटाई क्वेश्चन कराया सर नर भेन नु पलटान की है ऐड़ा पुलिंग केड़े शब्द दा विरोधी लिंग नहीं है मकान लोहा बाकी सारे में कैसे देखो कोला कोली मंजा मंजी कन्या ठीक है बार एवी क्वेश्चन काफी ने गलत किया है नेक्स्ट है सही स्त्री लिंग ते पुलिंग चुनो बालड़ी ते बाल ससा देश अते बेगम कहानी दे पाता नवाब नवाब नेक्स्ट है सही शुद्ध शब्द जोड़ चुनो एड़ा ओपरा एड़ा ओपरा नेक्स्ट है
गाजरा दा डैश मुरब्बा उड़ा गाजरा दा मुरब्बा उड़ा नेक्स्ट है सुनना नाने तो बाहर नन्ना बंदा तो सेट ना ईडी ऑप्शन नाने तो बाहर नन्ना नेक्स्ट है सही शुद्ध शब्द सच नाग दसिया जी ने दो पंजाबी विच दो दिन मात्र कठिया नहीं पैंदी चलाक नेक्स्ट है 28 लिटरेचर पार्ट ज्योति ने किस दे गले विच हार पाना सी ससा मंत्री ज्वाला प्रसाद दे युग फिरा नेक्स्ट है देवकी अपने बच्चियां दा पालन पोषण किन्ने पैसे ही करती सी 150 ज्योति केड़े दिन प्रिंसिपल दी चिट्ठी लेके आया वीरवार ईडी नेक्स्ट है ए भी काफी बच्चे ने गलत किया सी जुगल प्रसाद ने केड़िया चीजा संभाल के रख ली गया सी ससा बूढ़ ते जराबा बेटा पैसे दा ओने दर्जी नु दिया सी ओदा कपड़ा लाया सी पैसे ओने दित्ते नहीं सी ओना पैसे ओदा तो कपड़ा खरीद लिया सी हार खरीद लिया सी पैसे दा तो हार ते जरा ओ कपड़ा खरीद लिया सी पैसे हां बूट जराबा तीन चीजा सी बूट जराबा ते हार पैसा दा है ही नहीं सी ठीक है इसलिए दा ऑप्शन केड़ा सस्ता भी गलत है काफी बच्चा हार करके ना कंफ्यूज हो गया पैसे दिन दाल जेड़ा बेटा किया सी ना सारे ऑप्शन ध्यान ना पढ़ना है जिन्हें ने सारे पढ़े हो ठीक है 32 अच्छा बलराज साहनी दा केड़ा लिखा लेख है दूर वेख्या पिंड बेटा रूसी सफल है भैया उधर लिखा है मेरा पाकिस्तानी सफलनामा पाकिस्तानी दा जे बेटा पाकिस्तान दा फिर ठीक सी रूसी दा लिखी नहीं ने नेक्स्ट है हाँ बैठो लिखी नहीं वो गलत है कोई है नहीं नेक्स्ट है केड़ी बरादरी वालिया ने अभी क्वेश्चन गलत सी काफी ज्यादा अलग अलग बल्ले बनाने कुफरान सस्ता कुफरान बरादरी वाले ने बेटा शिवान श्री का ऑर्डर एक भी सेट ना पूरे नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन तो उतर के सब तो पहला मोहल्ला केड़ा आंदा है सानिया दा ए भी क्वेश्चन मैं करवाया सी रिवाइज 35 दीवान सिंह दे लड़के नाल क्यों नहीं आया सी एड़ा है लेखक दे भुआ दी ती 36 भाई वीर सिंह दा जन्म कदों होया 5 दिसंबर 1872 एड़ा नेक्स्ट है समा कविता विच कवि ने समय दे केड़ा सुभाग चलाए बाहर चलाए बाहर नेक्स्ट है अटकदा दोग ते विघन ईडी 39 विसाखी दा मेला कविता विच केड़े महीने दी गल कीती गई है ससा विसाख दे नेक्स्ट है किना दे पार नाल तानिया नीविया हो गई हैं ससा बेरा दे पार नाल
क्लियर है बेटा सब लोग? यस ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लियर है बेटा? प्लीज बोलना, ऑफलाइन कोई डाउट करी? क्लियर सारे ना? हाँ बेटा, जो भी एमसीक्यू से पढ़ते हो ना, सारे ऑप्शन पढ़िया करो। हाँ बेटा, पासिंग मार्क्स है 20 विच ऑफ 16, सॉरी 40 जो 16, पर तुहाडे पास किदा होना है तुसी विच सब्जेक्ट डिफरेंट मिला के, नोटबुक मिला के, हाँ पता है दे सारा कुछ मिला के, जिदे बह जा मैं दस लेंदा पासिंग मार्क्स दसा ना पूरा, 40 विचो दा थ्योरी जो पास लग होना जिदा प्रैक्टिकल बुला के लग लाउणा है, ओदे विचो 16 40 जो ते 50 जो 20 वाला 40 में से बेटा फिर जिन्होंने भेजी मार्क्स लगे हो गए कल देख लेना ना, कल देख लेना तुहाडे रिजल्ट विच सारी शीट आएगी ना, पेपर तो इलावा पेपर ते लिखे नहीं होणगे, ते पेपर दे लावड़ी शीट होंगी ना उदे ते लिखे हुए, हाँ आंसर शीट मिलेगी, पीडीएफ दे आंसर शीट का देख रहे तुसी, अपने क्वेश्चन पेपर ले आना कल जे कुछ कोई डाउट हो। वैसे सारे टीचर ने खड़े कितने हो रहे हो, सारे टीचर ने डिस्कस कर ही लेने अज ही, क्लियर है तुम सारे पंजाबी दा दस दिता ठीक है, तुहाडे सामने ही आन हुण, ऐ नहीं मेरे को थोड़े वाला ऑप्शन है, मैं तुहानू सारे लिखवाते ठीक है, आ देखो तुहाडे सामने सारे लिखे हुए आंसर ठीक है बेटा, प्लीज मैं दो मिनट बैठो, नेक्स्ट टाइम बेटा अगर मैं कुछ बोला, नेक्स्ट टाइम तो नोटबुक जो लग पास होना जरूरी, थ्योरी जो लग अगर हुन तक मिला के ना, जे तुसी नोटबुक ना सेंड कीती या अटेंडेंस असेसमेंट एक्टिविटी ता फिर फेल हो चाहे उच्च पास हो, क्योंकि बेटा तुहाडी टर्म है सीबीएसई वालों है, ये तुहाडी फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गई, हुन नेक्स्ट मैं मंडे उसमें जरूरी कह रही है, तेरे बैग थले उतार, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट वीक तो तुहाडी पहला ही टर्न असेसमेंट एक्टिविटी स्टार्ट है, नेक्स्ट वेडनेसडे तो पहले फर्स्ट थ्री रोल नंबर 1 2 3 ठीक है, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन, मैं कोई वीडियो नहीं मंगवानी, ऑफलाइन वाले क्लास विच जाणगे, ऑनलाइन वाले उत्थे जाणगे, टॉपिक दस देनी आ ठीक है, एक तो तुक्का दे आधारित लेख है, एक आम विषय होणगे दस दांगे ठीक है, जे अगर तुसी नाना सुनाई तो मैं फेल, मैं अलग अलग पास है, हाँ टॉपिक है जिवें नहीं दसांगे, मिठा नीवी नानका गुंज गई है तत्व, मैं सारे लेख आने ठीक है, इसलिए हुण लेख सब ने अपनी पिया नोटबुक ते लिखने है, ते प्लीज जिस दिन मैं ग्रामर का काम करवाना है उस दिन तुहाडे कोल अपनी नोटबुक होवे, तुसी ग्रामर का काम ऑफलाइन वाले नाल ही करनगे ते ऑनलाइन वाले घर बैठ के नाल नाल उतारनगे, जिद्दां मैं बोर्ड ते लिखना उद्दा तुसी नाल नाल लिखी जाना, अपनी नोटबुक लेके आनी, नहीं वही नोटबुक तुहाडी होई है जे खत्म है तो फिर तुहाडा नवी ला लो ठीक है, खत्म है तो नवी लगा लो, जिन्हां रजिस्टर लगाए नहीं तो नवी लगा लो ठीक है, फर्स्ट पार्ट ग्रामर लिटरेचर कर लो, सैकेंड पार्ट ग्रामर, ग्रामर के टॉपिक है तुहाडे एसे लेटर, ऐसे है लेटर्स है ठीक है, उस वक्त मुहावरे है विस्मी वाला टॉपिक है ठीक है, ते लिटरेचर पर सारा बेटा सब्जेक्टिव आना है ओके, सारा सिलेबस सब्जेक्टिव है